headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. जम्मू के रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन में देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने सेना के कैंप पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सेना के संतरी ने भी फायरिंग की, जबकि दोनों व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। इस वारदात के बाद सुरक्षा बलों द्वारा कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि जम्मू के आसपास के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने आज चैंबर्स ऑफ कॉमर्स कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू की जनता को प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने का आग्रह किया है। रविवार को गुलशन ग्राउंड में इंटर बटालियन खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के मारे जाने के विरोध में आज भी बंद का आह्वान किया गया है। बता दें, अक्सर आतंकियों की मौत के बाद अलगाववादी नेताओं द्वारा घाटी के कई इलाकों में बंद की कॉल दी जाती है, जिससे आम जनजीवन अस्तव्यस्त रहता है। पीओके रिफ्यूजियों की हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें, रिफ्यूजियों की मांग है कि सरकार चुनावों से पहले उन्हें रिहैबिलिटेशन पैकेज मुहैया करवाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जो है हमारा जो राज्य सरकार ने पास करके भेजा था केंद्र सरकार को, और दूसरा केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर ही 30 लाख का पैकेज पास किया था, पार्लियामेंट कमेटी ने पास किया था उसको। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर आज सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया है। हालांकि इस सीज़फ़ायर में किसी प्रकार का कोई नुकसान की खबर नहीं है। रविवार को पूर्व एमएलसी मुजफ्फर परे के कश्मीर स्थित सरकारी आवास से AK-47 राइफल चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व एमएलसी के गार्ड रूम से राइफल चोरी हुई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निषाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पथराव में एक सिपाही की मौत पर पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, और वहीं 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।